बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, कब कौन सा उलटफेर हो जाए किसी को इस बारे में पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार। दरअसल एनडीए जो पहले कहती थी कि लोजपा उनका हिस्सा नहीं है, अब वही एनडीए के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया है कि लोजपा एनडीए का ही हिस्सा है। संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं अपने पूरे बयानों में आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर कट है, एनडीए के पार्ट जो हैं वो सामने हैं और आज के डेट में एलजेपी एनडीए का हिस्सा है। पशुपति पारस हमारे मंत्री हैं, एलजेपी हिस्सा है, जो भी एलजेपी है व्यक्ति की नहीं, ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये दल की बात है, व्यक्ति कुछ नहीं होता। आज एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और है। पार्टियां व्यक्ति से नहीं होती है, पार्टी पार्टी होती है और व्यक्ति से नहीं समझौता होता, पार्टी का समझौता होता है। और बिल्कुल क्लियर कट बात है कि आज जब पशुपति पारस हमारे केंद्रीय मंत्री हैं तो एलजेपी एनडीए का को लेकर भाजपा कंफ्यूज है। आपकी मर्जी। और सर एक सवाल है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले पर हमला उन्होंने किया और कहा कि झारखंड में ये बहुत ही शर्म की बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह के बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, या तो 2000 में बंटवारा हुआ है, और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। इस तरह से की राजनीति करके वो किसी का भला नहीं करेंगे। आपने सुना संजय जायसवाल को, उन्होंने सीधे और साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए का ही हिस्सा है लोजपा। उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया है जो नीरज कुमार बबलू ने कहा था कि एनडीए का ही एक अभिन्न अंग है लोजपा और चिराग पासवान। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए से चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा वो अलग हो चुकी थी। बिहार विधानसभा में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन अब एनडीए की तरफ से ये बयानबाजी आ रही है। खासतौर पर एनडीए की सहयोगी बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि एनडीए का ही हिस्सा है लोजपा। तो इस पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की तल्खियां जो है वो लोजपा से सांसद चिराग पासवान को लेकर के काफी बड़ी हुई है। एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए के सहयोगी बीजेपी और जेडीयू के जो बोल है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से लोजपा को लेकर उन दोनों के स्टैंड अलग अलग है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।